हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जीके के टेस्ट की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन है 10 और आपको इसमें स्कोर करना है 7+ स्कोर आपको करना है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग 100% 7+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से इस टेस्ट को दीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि 2013 के एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से टेस्ट को दीजिएगा। लास्ट में आपका अपना नाम एंड स्कोर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि सूर्य भगवान को कौन सा मंदिर समर्पित है। तो मुझसे पहले आप लोगों को इसमें कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर टाइप करके बता देना है। तो देखिए, जो सूर्य भगवान को मंदिर है वो समर्पित है कोणार्क मंदिर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ये कोणार्क मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, आपको अपना राइट आंसर टाइप करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, आपको बताना है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो भी आंसर आपको लगता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो देखिए, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, संस्थापक से एक जरूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग संस्थापक वाला जो टॉपिक होता है उसको आप लोग जरूर क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो भी आंसर आपको लगता हो इनमें से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत वाला आप लोग चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे कुतुब मीनार हो गया, अलाउद्दीन का झोपड़ा हो गया, तो इनको कौन बनवाए थे, निर्माण पूरा कौन करवाए थे, तो ये सारा आप लोग क्लियर करके जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था? फटाफट राइट आंसर टाइप करके बताएं। तो देखिए, जो तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों के वंशज थे वो थे बाबर, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक थे, दीन ए इलाही के संस्थापक कौन थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए, दीन ए इलाही इसके जो संस्थापक थे वो थे अकबर, ठीक है। ये धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। मुगलसराय, रोहतास में, सासाराम में, पटना में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इनका शेर शाह सूरी जी का मकबरा स्थित है वो स्थित है सासाराम में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी, कोलकाता शहर जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइए आप लोग। ऑप्शन देख सकते हैं इनमें से, जॉब चार्नक के द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट कि 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन से नेता नहीं थे। तो देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उनमें से जो नेता नहीं थे बिरसा मुंडा जी नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे तांता टोपे जी, नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल जी, ठीक है। जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था वो किस शहर से शुरू हुआ था? मेरठ शहर से, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ, आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ। फटाफट टाइप करके अपना राइट आंसर बताएं। तो देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रोहतांग
जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, किसके पास स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो जो भी जहाँ भी स्थित है आप लोग कमेंट करके अपना राइट आंसर बताएं। तो देखिए, जो रोहतांग दर्रा स्थित है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है, आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? बैकाल झील, मृत सागर, प्रशांत गहराई, मारियाना ट्रेंच? फटाफट अपना राइट आंसर टाइप करके बताएं। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो भी इसका आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर टाइप करके बताएं। तो जितना भी आपका स्कोर भी हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 में से 6, 7, 5 जितने भी हों, 4, 3 जितना भी स्कोर हुआ हो आप लोग अपना नाम एंड स्कोर जरूर टाइप करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले करिए, ताकि जो भी जो मेरे टेस्ट की वीडियो आती है डेली, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले